अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में रखे, आमीन जी। आज का व्लॉग मैंने सुबह सुबह ही शुरू कर लिया था। अभी मैंने कपड़े धोए और सूख चुके हैं, तो अभी बस इनको मैं निकाल लूँगी और जाके एक गैलरी में डाल दूँगी। उसके बाद एक रूम की क्लिनिंग करने वाली है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज काफ़ी दिनों के दिन की छुट्टियों के बाद जो यूसुफ थे वो चले गए ऑफिस, और ईमान भी यूनिवर्सिटी चली गई थी। अज़ीम को आज छुट्टी थी। अच्छा, लेबर डे की दो छुट्टियां उन्होंने की है इनके स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने। स्कूल, बस स्कूल ही नाम निकलता है क्योंकि बच्चे स्कूल से आगे जब जाते हैं ना, स्कूल इतना लंबा चलता है ना यार, तो वही जो दिमाग होता है ना स्कूल में फंसा रहता है। अभी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं तो कॉलेज जाते हैं, तो स्कूल ही मेरे नाम से नहीं। अच्छा, मैं जब भी अजीम से पूछती हूँ ना, अच्छा स्कूल की यार छुट्टी कब कब हुई, कोई भी बात हो ना कॉलेज की, मैं स्कूल बोल देती हूँ। ऐसे हो रहा होता है मेरे साथ। अच्छा, कपड़े सारे मैं लेके आ गई थी तो इधर डाल दूँगी। उसके बाद अजीम के रूम की आज क्लीनिंग करने वाली, कल मैंने अपने रूम की कर ली थी, लेकिन आज अभी भी मैंने ना सुबह की हुई है अपने रूम की क्लीनिंग, तो बस उसी के रूम की क्लीनिंग रहती है तो वो कर लूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए है, और आप लाइक भी करते हो, और जिन्होंने नया नया सब्सक्राइब किया है उनको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे चैनल पे आके सब्सक्राइब किया। अच्छा, वैसे ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी ना, इतनी अच्छी ना, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करती, मुझे ना मोटिवेशन मिलती है कि यार आप लोग कितने अच्छे हो, कि आप अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो फिर मैं काम भी करती हूँ। अगर डीमोटिवेट करने वाले होते हैं ना बहुत ज़्यादा लोग, तो इंसान का दिल काम करने को बिल्कुल नहीं करता है, तो मोटिवेशन जो होती है ना वो ज़रूरी होती है। तो आप लोग जो कमेंट करते हो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन। आ गई मैं कमरे में एक्स्ट्रा चीज़ें जो पड़ी हुई थी ना टेबल के ऊपर, उनको उठा के, तो मैं किचन में काफ़ी बर्तन यहाँ पड़े हुए हैं तो बर्तनों को उठा के पहले रख दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चटाई बिछाई है, और उसके ऊपर जो तकिए वगैरह है वो चीज़ें रखने वाली, वो चटाई के ऊपर रख दूँगी। उसके बाद बस चादर अच्छी तरह झाड़ के ना बिछा लूँगी, क्योंकि कल ही मैंने बिछाई थी, इसी वजह से फिर आज दोबारा मैंने बेडशीट चेंज नहीं करनी। तो वाकई जिन जिन लोगों को ना क्लीनिंग पसंद है, मुझे भी बड़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो मेरा दिल करता है बस मैं जो है ना क्लीनिंग करती रहा करूं, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे तो किचन का काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना ज़्यादातर मेरी किचन की वीडियो इसीलिए भी यहाँ पे नहीं बन रही होती, क्योंकि लाइटिंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम। बस थोड़ा सा इंतज़ार, एक दो महीने या अढ़ाई महीने आप लोग कर लो, तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो लाहौर वाले घर में जाके मैं बनाऊंगी, वहाँ तो माशाल्लाह लाइटिंग भी अच्छी है। और आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।